स्थानीय स्वागतकर्ता उत्सुक है, हमारे मुख्य मंत्री महोदय जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनके हार्दिक अभिनंदन के लिए मैं आग्रह करती हूँ। जी, श्रीमती अनीता साहू सरपंच सेज पहाड़, श्रीमती संतोषी कुर्रे जी, श्री संतोषी कुर्रे, देवदास कुर्रे, श्री डोमन टंडन जी, श्रीमती संदीप यदु जी, श्री मोहन साहू जी, श्री मुकेश साहू जी, श्री ललित साहू जी, श्री चंपालाल देवांगन जी, श्रीमती किरण वर्मा जी, श्री रामलाल चक्रधारी जी, श्री आकाशदीप शर्मा जी, श्री ऋषि बारले जी, श्री जगमोहन रात्रि जी, श्री चोवाराम साहू जी, श्री जयंत साहू जी, श्री लोकेश साहू जी इसी क्रम में आमंत्रित हैं। श्री हितेंद्र विश्वकर्मा जी, डॉक्टर गोविंद साहू जी, श्री पप्पू जांगड़ी जी, श्रीमती प्रीति सपहा जी, आप सरपंच हैं ततरेंगा से, श्री सुरेश धीवर जी, सन्मुख जांगड़े जी और श्री टी आर सिन्हा जी। निर्माण एजेंसी के कुछ प्रतिनिधि जो अभी अभी आए हैं, मंच पर स्थान ग्रहण करने के उपरांत आप मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत कीजिए। स्वागत के उपरांत मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय समेत समस्त विशिष्ट अतिथियों से पुनः निवेदन करती हूँ कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। निर्माण एजेंसी के जो प्रतिनिधि नहीं आ पाए थे उन्हें मैं पुनः आमंत्रित कर रही हूँ, और इसके साथ ही स्वागत उद्बोधन और तकनीकी प्रतिवेदन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ श्री अमिताभ जैन जी, अपर मुख्य सचिव। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानी मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय विधायकगण, मंचासीन गणमान्य अतिथिगण और सभी पधारे जन प्रतिनिधिगण, मीडिया के साथियों, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बनने वाली सड़कें प्रदेश के लिए कोई अब पहली बार नहीं है, ये तीसरे चरण में सड़कें बन रही हैं। वर्तमान परियोजना के अंतर्गत 25 महत्वपूर्ण राजमार्ग और मुख्य जिला मार्ग जिनकी लंबाई टोटल 870 किलोमीटर है और लागत लगभग 3,500 करोड़ है, उनका निर्माण किया जाना है। इसमें से प्रथम चरण में आज 13 ऐसी सड़कें जो कि प्रदेश में विभिन्न स्थलों पर हैं, उनका कार्य का शुभारंभ सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हुआ है, और इन 13 सड़कों की लंबाई लगभग 500 किलोमीटर और लागत लगभग 2000 करोड़ की है। ये सभी सड़कें की विशेषता ये रहेगी कि इस बार पिछले बार की तुलना में मुख्य ग्रामों में बस शेल्टर, सोलर स्ट्रीट लाइट आदि का प्रावधान है, मार्गों में जहां आवश्यक है वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान है, और इन मार्गों का संधारण मेंटेनेंस भी 5 साल तक संबंधित कार्य एजेंसी को दिया गया है। मुझे विश्वास है कि ये परियोजनाएं
निर्धारित समय से भी पूर्व हमारे सभी वर्क एजेंसी और विभाग के अधिकारीगण मिलकर के पूर्ण करेंगे और जन सामान्य को शीघ्र से शीघ्र लोकार्पित करेंगे। आज के कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं, हम सब विभाग की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री महोदय श्री ताम्र ध्वज साहू जी को, कृपया उद्बोधन के लिए पधारें। आज के इस भूमि शिलान्यास के गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, मंच में आसीन मंत्रीगण आदरणीय अनिला भेड़िया जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय बड़े भैया सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय जुनेजा जी, आदरणीय धर्मजीत जी, आदरणीय विकास उपाध्याय जी, आदरणीय विनोद चंद्राकर जी, आदरणीय राम कुमार यादव जी, पंकज शर्मा जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, हमारे एसीएस अमिताभ जैन जी, हमारे ओएसडी अनिल राय जी, ईएनसी अग्रवाल जी, मंच में बैठे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय देवांगन जी, मंच में बैठे सभी हमारे प्रदेश और जिला हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथियों, हमारे लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित पुलिस विभाग और अन्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आप सब बैठे हुए सज्जनों, देवियों, भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी का लोक निर्माण विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमें दिया। जैसा कि हमारे एसीएस जैन साहब ने बताया, लगभग 25 सड़कें और हमारी ग्रामीण सड़कें सब मिलाकर हमारे काम की स्वीकृति हो चुकी है और काम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को विदित है कि जैसे ही बरसात खत्म होता है, बरसात के दिनों में हम अपने अधिकांश काम टेंडर का या अन्यान्य काम पूरा कर लेते हैं, ताकि बारिश के बाद या दीपावली के बाद काम शुरू किया जा सके, जनता की सुविधाओं के दृष्टिकोण रखते हुए। संपूर्ण प्रदेश की सड़कों में हमारा एक लेयर का काम चलता है, गड्ढा भराई का, उसकी एजेंसी तय हो गई, काम शुरू हो गया और लगभग 15 दिसंबर तक हम उसको पूरे प्रदेश में पूरा कर लेंगे। नवीनीकरण का, बीटी नवीनीकरण का या मरम्मत का जहां तक काम है, लगातार प्रस्ताव आते जा रहे हैं और हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं, अधिकांश हम टेंडर के लिए भेज रहे हैं, जल्दी से जल्दी उन कामों को भी, या स्टेट बजट का जो हमारा काम है लगभग 2000 करोड़ का, उसको भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। वर्तमान में जो भूमि पूजन हो रहा है, लगभग 14 सड़कों का होना था, एक सड़क आज रोका गया है, 13 सड़कों का, और जैसा कि हमारे एसीएस ने बताया, लगभग 500 किलोमीटर लंबाई का और लगभग 2000 करोड़ की राशि का ये बनना है। इसमें गुणवत्ता युक्त सड़क बने, पुराने निर्माण को अनुभव के आधार पर सावधानी पूरी तौर पर हम बरतेंगे और जैसा कि प्रदेश की जनता की आकांक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच और उनके निर्देश के अनुसार समय सीमा के अंदर और अच्छा काम हो, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठेकेदारों का, कॉन्ट्रैक्टर्स का भी मीटिंग लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले दिनों मैंने उनसे कहा है कि समय सीमा के अंदर और क्वालिटी दो में कोई समझौता नहीं होना चाहिए और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर, और इस बार सड़कों के निर्माण में जो एक्सीडेंट सड़कों के निर्माण के बाद होता है और फिर ब्लैक स्पॉट हम चिन्हांकित करते हैं, फिर परिवहन विभाग, फिर गृह विभाग और पीडब्ल्यूडी, उधर भी हम लोग इसमें ध्यान देना चाहते हैं ताकि ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित हो और निर्माण के समय ही उसको सुधार लिया जाए, ये भी हम लोगों ने शुरुआत की है।
समय काफी हो चुका है, इसलिए अधिक कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा लोक निर्माण विभाग आपके सोच के अनुसार, आपके निर्देश पर समय सीमा के अंदर गुणवत्ता युक्त सड़कों का निर्माण करेगा, ताकि जनता और सरकार के पैसे का सदुपयोग करते हुए करेगा। ये आश्वस्त आपसे करता हूं और क्रियान्वयन एजेंसियों से भी आग्रह करता हूं कि आप समय सीमा और क्वालिटी पर विशेष ध्यान देंगे। आपकी कोई समस्या हो तो निश्चित तौर पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार से काम करने में रुकावट न हो। अपने विभाग के अधिकारियों से भी अपेक्षा करता हूं कि आप समय समय पर निगरानी करते हुए और हमारे जो काम करने वाले एजेंसी हैं, क्रियान्वयन एजेंसी, उनको सहयोग करते हुए समय सीमा के अंदर हमारा काम हो, इस बात को सुनिश्चित आप करेंगे, ऐसा विश्वास करता हूं। पुनः सभी उपस्थित जनों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं कि वे उद्बोधन के लिए पधारें। सर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मीडिया का कहना है कि वहां लाइट अच्छी नहीं है, तो इस जायज से आप संबोधित कीजिएगा प्लीज। डोंगरगांव खुज्जी पिनका पार जेवर तला मार्ग क्रूद मेघा मगरलोड अमलीडी धावरा भाटा किशोरा पांडुका मार्ग बुड़ी नया पारा बुड़ेनी नया पारा बरफानी मगरलोड मोहंदी बोरसी भोयना मार्ग लोरमी से पैजनिया मसना मसनी जरहा गांव मार्ग मंगला से भैंसाजार मार्ग शक्ति टुंडरी तो उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य, इस प्रकार से 13 कार्य स्वीकृत हुए हैं। अभी पिछले दिनों हम लोग भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी से मुलाकात हम लोगों ने की। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य स्वीकृत हुए, लेकिन वो अभी भी अधूरा है। कुछ मार्ग रुका हुआ है, कहीं ठेकेदार छोड़ के चला गया है, तो कोई एनपीए हो चुका है, बैंक करप्ट हो गए हैं, ऐसे अनेक कारण हैं जिसमें धमतरी मार्ग का काम रुका हुआ है। रायगढ़ से पत्थलगांव चापा जांजगीर कोरबा मार्ग, ये बहुत सारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और इसमें हमारे रायपुर से लगे हुए जो टाटीबंध जो चौक है उसके भी निर्माण होना है, वो बार बार बनता है, बार बार उखड़ जाता है, लेकिन आज तक के वो लोगों को असुविधा का कारण ही बना हुआ है। इसके मामले में गडकरी जी से मीटिंग भी हुई और हमने आग्रह किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण नहीं होने के कारण से बहुत से लोगों को असुविधा हो रही है, यातायात में परेशानी हो रही है। बहुत पुराने मार्ग जो हैं, खासकर कोरबा से बिलासपुर बीच में जो अंग्रेजों के बने के समय बने पुल है, वो भी उखड़ गया है, लेकिन अभी राष्ट्रीय भारत सरकार की ओर से स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन संधारण के लिए और हमारे जो मार्ग हैं उसके लिए तत्काल निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए हमने 30 करोड़ स्वीकृत किया, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की गतिरोध न हो। आज इस अवसर पर निर्माण कार्य के भूमि पूजन के अवसर पर ताम्रध्वज साहू जी और उनके पूरी टीम को बधाई देता हूं। इसी प्रकार से आप सड़क बनाते रहें, आवागमन के असुविधा दूर होती रहे, लेकिन गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, ये आग्रह करते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। और अब मैं स्मृति चिन्ह में भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं विभाग की ओर से अधिकारीगण, श्री डी के अग्रवाल सर
और श्री एस के तिवारी सर को। कृपया हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय और कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय के साथ समस्त विशिष्ट अतिथिगण जो मंचासीन है उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए पधारें। श्री डी के अग्रवाल सर, श्री श्रीकांत तिवारी सर, मंचासीन समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री डी के अग्रवाल जी को। कृपया पधारें। आज के 13 सड़क मार्गों के इस भूमि पूजन कार्य प्रारंभ के कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानी प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष लोक निर्माण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामदत्त साहू जी, इस कार्यक्रम में हुए पधारे श्री अमरजीत भगत माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, पधारे हुए माननीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री कुलदीप जिनेजा जी, श्री विकास उपाध्याय जी, श्री लक्ष्मी ध्रुव जी एवं समस्त मंचस्थ माननीय विधायकगण, माननीय अतिथिगण, आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपना समय दिया सर, उसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। और इस कार्यक्रम को सफल बनाया आपने और जैसे ही आपकी मंशा है सर, इस सड़कों का गुणवत्तापूर्वक समय पर निर्माण विभाग सुनिश्चित करेगा। इस कार्यक्रम में पधारे समस्त जनप्रतिनिधियों का, महापौर जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम में पधारे समस्त क्षेत्र के नागरिकों का और भाइयों और बहनों का हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे बंधु पधारे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं अनुरोध करूंगा मंचस्थ अतिथियों से कि कृपया चाय और स्वल्पाहार के लिए पधारने का कष्ट करेंगे। थैंक यू। राजिम ब्लॉक में जतमई घटारानी पर्यटन स्थल को जोड़ता है। गुटिया, पलारी, वटगन, गिरपुरी, चिखली, समुदा, अछोला, तुमगांव मार्ग। यह मार्ग बलोदा बाजार तथा महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। लांबर, बिरकौल, बोरेसरा मार्ग, यह मार्ग महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। बिहरी कला, दलगढ़, सोमा टोला, गोटा टोला, खड़गांव मार्ग, यह मार्ग राजनंद गांव जिले में आता है।